अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सिखों के बारे में ऐसा क्या बोल दिया था कि सिखों ने 250 बस भर कर अमेरिकी दूतावास को घेर लिया और एक बड़ा उग्र प्रदर्शन कर दिया। फिर बाद में बिल क्लिंटन ने सिखों के बारे में ऐसा क्या क्या बोला कि सिखों ने उसको अपने हाथों के ऊपर उठा लिया। आइए आज के इस वीडियो के अंदर जानते हैं। दोस्तों आज का वीडियो कुछ लंबा जरूर हो सकता है लेकिन इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ये सारी जानकारी हमने इंटरनेट से बहुत मुश्किल से इकट्ठी की है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों बिल क्लिंटन ने सन 1993 में भारत और पाकिस्तान को शांति से कश्मीर मुद्दा सुलझाने को कहा और उधर पंजाब में चल रहे सिख उग्रवाद की बात भारत को लिखी, जिसके बाद भारत के अंदर मामला गर्मा गया और उस समय केंद्र में सरकार ने पंजाब से करीब 250 बस भरकर अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के शब्दों का विरोध कर दिया। तब भीड़ ने उग्र रूप अख्तियार कर लिया तो भयानक बल प्रयोग करके मुद्दा सुलझाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन की बात भी कही और साथ में एक कश्मीरी सिपाही जो पाकिस्तान की तरफदारी करता था उसे चिट्ठी लिखकर शांति का प्रयास करने की बात और शांति से कश्मीर का मसला सुलझाने की बात लिख डाली, जिसके बाद यह सारे का सारा मामला और ज्यादा उलझ गया। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति को जमीनी हकीकत पता नहीं थी कि भारत पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है उस समय। ऐसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने उस समय सिखों को भी उग्रवादी बोल दिया, लेकिन उस समय भारत की तरफ से अमेरिका को पत्र लिखा और बताया कि पंजाब में 1980 के दशक में जो अशांति थी वह अब नहीं है, 1992 के इलेक्शन के बाद अब हालात सामान्य है, हम शांति प्रिय देश हैं, भारत किसी भी देश को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने देता है चाहे वह किसी भी तरह का हो, परंतु यह खास ध्यान रखा जाता है कि किसी भी कानून का उल्लंघन भी ना हो। दोस्तों असल में 1990 के दशक के बाद से अमेरिका सीधे रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे को लेकर दखल दे रहा था जो भारत को मंजूर नहीं था। सन 2000 में जब 5 दिन के दौरे पर बिल क्लिंटन भारत आए थे परिवार समेत, तो बिल क्लिंटन के आने से एक शाम पहले ही कश्मीर में 40 सिखों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया गया था गोलियां मारकर, जिसने उस समय मीडिया में इंटरनेशनल हेडलाइंस बटोरी और सभी देशों को सिखों से हमदर्दी हुई। जब क्लिंटन भारत दौरे पर आए हुए थे तो उन्होंने इस बार पाकिस्तान से दूरी बनाई हुई थी और उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि हम भारत के अंदर हुए उन 40 सिखों की मौत को बहुत दुखदायी बताते हैं और मानव अधिकार का उल्लंघन भी बताते हैं, ये मानव अधिकार का खनन है। जिन 40 निहत्थे सिखों को कश्मीर के अंदर मार डाला गया, तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस हमले की निंदा की थी और उन्होंने इसे पाकिस्तान के द्वारा की गई बर्बरता बताया था। उन्होंने बोला कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकालने के लिए ऐसा किया जा रहा था। तो उस समय भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम मढ़ा और पाकिस्तान ने भारत पर इल्जाम लगा दिया। और दोस्तों आज 2024 तक इसके मुजरिम अभी तक नहीं मिल पाए हैं दोनों देशों को। दोस्तों 1995 तक पंजाब के हालात बहुत नाजुक ही रहे थे। तब तक एक सिख एक्टिविस्ट भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी को गायब ही कर दिया गया था जो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे और पंजाब में मारे गए 80 और 90 के दशक में बेगुनाह नौजवानों को, सिख नौजवानों को ढूंढ रहे थे जिन्हें पुलिस ने आतंकवादी बताकर या निजी रंजिश के कारण मार दिया था। जैसे जैसे समय बीता तो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने भारत के हालातों पर नजर रखी हुई थी और इन सबसे पहले 1993 में भारत ने प्रेस में बोला था कि अमेरिका एक ऐसा मित्र है जिसके ऊपर हम आंख मूंद कर यकीन नहीं कर सकते। सन 2000 के दौरे के बाद बिल क्लिंटन ने अमेरिका में जाकर सिखों के बारे में बहुत सारी घटनाओं का जिक्र मीडिया में किया और उसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल और लेख किताबें भी छपी, जिसमें भारत में हुए मानवाधिकार के उल्लंघन का जिक्र भी किया गया। जहां वे पहले तो सिखों को उग्रवादी बता चुके थे, पर जब वे स्वयं भारत दौरे पर सन 2000 में आए और कश्मीर में 40 निहत्थे सिखों को मारा गया तो उस समय उन्होंने सिखों के बारे में और ज्यादा जाना। उन्होंने सिखों के बारे में जानकर और फिर सिखों के द्वारा 90 के दशक में जो अलग सिख देश की मांग की जा रही थी उसे देखा तो उन्होंने इसे जायज ठहराया और बोला कि खालिस्तान बनेगा, सिखों का अलग देश होना चाहिए। तो इस तरह की सारी बातें मीडिया और आर्टिकल के अंदर छपी हमें मिल जाती हैं। यह सारी बातें आपको द गार्डियन के बहुत सारे आर्टिकल में भी पढ़ने को इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगी जो अभी तक छपे हुए हैं, जिनसे हमने यह सारी जानकारी जुटाई और उसे एक वीडियो के रूप में आपके सामने पेश किया। असल बिल क्लिंटन को सिखों के साथ लगाव हो चुका था और वह बार बार भारत में सिखों की बात करते थे कि मानव अधिकार का उल्लंघन ना हो और जैसे 1984 में सिखों के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। दोस्तों यही थी वह सारी जानकारी जो सिखों और अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ जुड़ी हुई थी। अब यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को मेंबरशिप या सुपर थैंक्स के द्वारा सपोर्ट जरूर कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।